हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आपके संग मटर पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो उस मटर पनीर की रेसिपी के लिए सबसे पहले पनीर मैंने चॉप कर लिया है, काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और मटर ले लिए। उसके लिए प्याज टमाटर काट के रखे मैंने, और सूखे ड्राई मसाले ले लिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले लिया है, पीस लिया है इसको मैंने। और उसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म करेंगे, उसमें प्याज को अच्छे से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फ्राई करना है, और टमाटर को भी इसके अंदर फ्राई करना है। थोड़ा थोड़ा प्याज थोड़ा तब हल्का फ्राई हो जाए, उसके बाद टमाटर को भी उसके अंदर ऐड करके फ्राई करना है। फिर और उसके अंदर दो हरी मिर्ची को भी, दो तीन जगह पर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो वैसे तो दो ही बहुत हैं, दो हरी मिर्ची आप उसके अंदर, उन तीनों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तब ये प्याज हो जाएगा हल्का हल्का फ्राई, तब टमाटर डालना है। इससे टमाटर पहले डालने से ना फिर प्याज अच्छे से फ्राई नहीं होगा थोड़ा थोड़ा, इससे टमाटर को मैं बाद में थोड़ा लेट डालूँगी। अब से थोड़ा थोड़ा प्याज थोड़ा थोड़ा फ्राई हो गया है, तो अब मैं ना टमाटर ऐड कर दूंगी, और टमाटर को भी अच्छे से प्याज के संग फ्राई कर लेना है। इस तक कर डाल दिए इसके अंदर, इन तीनों को अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक ये टमाटर भी मुलायम ना हो जाए। उनको मैं ढक के रख दूँगी, जिससे ये टमाटर मुलायम हो जाएंगे। अब ये देखिए, मैंने खोल के देखा तो थोड़ा थोड़ा प्याज भी और हरी मिर्च और टमाटर थोड़े थोड़े मुलायम से हो गए, तो गल से गए। अब इनको थोड़ी देर के लिए और भूंज के थोड़ी देर भूनूंगी, और फिर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब तक ये ठंडा होगा जब तक मैं पनीर को फ्राई कर लेंगे, पनीर में उसी थोड़ा तेल डाल के अलग भगोने में मैं हल्का हल्का, ज़्यादा ब्राउन नहीं, हल्का हल्का ब्राउन करके पनीर को फ्राई करेंगे कर लूँगी। पनीर को अच्छे चल के फ्राई करके जब तक मैं टमाटर प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट तैयार कर लेती हूँ दूसरी जगह। तक पनीर फ्राई हो रहा है, मैंने ये देखिए हल्का हल्का, बस हल्का हल्का सेकना है इसको, जिससे इसका पानी निकल जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। मैंने हल्का हल्का ये सेक लिया है पनीर, इसको मैं निकाल लूँगी। अब एक प्लेट में सारा धीरे धीरे करके ये सारा पनीर निकाल लेना है। मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करा इससे, उसका थोड़ा सा ये थी ना, इसका पानी सूख जाता है और थोड़ी इसकी स्मेल कच्चापन निकल जाता है, इसका पनीर का कच्चापन वो निकल जाएगा, और इसलिए मैंने ये थोड़ा करके सेका बस। और इसी तेल में थोड़ा सा तेल और डाल के इसमें दो तेज पत्ते, दालचीनी, लौंग मैंने ऐड कर दिए, और इसमें आप सबसे पहले मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट तड़का के, तब अच्छे से तड़का तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, उसको अच्छे से भूनूंगी। उसको अच्छे से भूना है, अदरक लहसुन की स्मेल निकल जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब तक अच्छी सी खुशबू आ लेगी और अच्छे से इसका कच्चापन निकल जाएगा अदरक लहसुन का, जब तक भून के देखो ये अच्छे से भूनने लगा, तेल से छोड़ने लगा है, तो उसमें मैं ड्राई मसाले डाल दूंगी, और ड्राई मसाले को भी अच्छे से भूनना है।
अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भून लेना है इसको भी, जिससे ड्राई मसाले भी अच्छे से भून जाए। अब इसमें जो मैंने अदरक, जो मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया था उसको मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। जो मैंने प्याज और टमाटर को फ्राई करा था उसका भी मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, उसको मैं इसको भी ऐड कर दूँगी इसके अंदर। देखिए मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करके भूनना है इसको भी, जब तक भूनना है अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जब तक भूना है तब ये भी अच्छे से तेल ना छोड़ने लगे। ये देखिए अभी इसका ऐसा कलर है, अब इसने तेल नहीं छोड़ा है और इसको भूनते जाना है जब तक इसका अच्छे से। अब मसाले को जितना भूनेंगे उतनी अच्छा ज़्यादा टेस्ट आएगा, और मसाला भूनने की सबसे अच्छी पहचान है जब तक वो मसाले में से तेल नहीं छोड़ने लगे ना, तो समझ लो मसाला भूने नहीं है। तेल छोड़ने लगे मसाला, जब तक तेल छोड़ने लगता है तभी समझ लो कि मसाला भुन गया है। ये देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा है, ये देखो आप देख रहे होंगे मसाले ने तेल छोड़ दिया, इसको भूनते भूनते काफ़ी टाइम हो गया है। और अभी मैं इसको भी और भूनना चाहती हूँ कि और तेल छोड़ दी, फिर तेल अच्छे से भून गया है। अब मैं इसके अंदर मटर ऐड कर दूँगी। मटर को मैंने थोड़ा कर्रापन था मटर में, तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा मटर को उबाल लिया है। अगर आपकी मर्जी ऐसे थोड़ा सा कच्चापन और मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं, आपको अगर ऐसे डालना है तो डालने से मैं ऐसे डालती हूँ उबाल के, उससे इसकी स्मेल निकल जाती है और थोड़ा सा कच्चापन भी मुलाम भी हो जाती है मटर। अब मैं मटर को भी साथ में इसको भून लूँगी, और अब इसके अंदर पनीर को भी ऐड कर दूँगी। पनीर भी मैं इसके अंदर ऐड करके अच्छे से इनको मटर में पनीर भी डाल रहा हूँ डाली हूँ। ये देखिए मैंने मटर पनीर दोनों को ऐड कर दिया इसके अंदर, और अच्छे से दोनों को मिक्स करके भूनना है। ये देखिए मैं दोनों को अच्छे से मसाले में भून लिया है, इससे इसमें अंदर नमक मिर्ची डालते हैं, और अब मैं इसमें अंदर पानी ऐड कर दूँगी ग्रेवी में। थोड़ा सा इतना पानी रस चाहिए इसका, उतना पानी ऐड कर देना है। अगर आपको खारा रखना है तो कम कर लीजिएगा, लेकिन मेरे को थोड़ा पतला चाहिए था तो मैंने और पानी ऐड कर दिया इसके अंदर। अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैंने वो पानी उसको मैंने पानी ऐड कर दिया इसमें। अब उसको ढक के 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। मैंने अब ढक दिया, 3-4 मिनट के लिए पकने देना है, जब तक इसका पानी अच्छे से पक ना जाए तब तक उसको पकाना है। अब उसको खोल के पक गया है 5 मिनट तक पक गया है। देखिए कितना अच्छा इसके अंदर हरा धनिया डाल दी, ये बन के रेडी है। इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे। कितना अच्छा कलर आया है मटर का, ये देखिए बन के मटर पनीर तैयार है। ये देखिए मटर पनीर का बनकर तैयार है, कितनी अच्छी इसकी कंडीशनिंग लग रही है।
ये देखो मटर पनीर की रेसिपी तैयार है और कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है। बस आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इससे आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।